मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बांधवगढ़ में वन्य प्राणियों से होने वाले नुकसान को लेकर कई घोषणाएं की। सीएम ने किसानों की फसल का नुकसान होने पर मुआवजे की राशि डबल करने की बात कही, जिससे किसान काफी खुश हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री शिवराज ने वन्य प्राणियों के हमले से मौत होने की स्थिति पर आश्रित परिवार को 8 लाख की मुआवजे की राशि घोषित की है। पहले मुआवजे की राशि 4 लाख थी, जिससे आश्रित परिवारों का गुजर बसर नहीं हो पाता था। दरअसल वनवासी समाज के हितों से जुड़ा पेसा अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। इस दौरान चौहान ने वन्य प्राणियों से फसल नुकसान के भी मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया है। सिंचित भूमि पर नुकसान होने पर जो राशि पहले 16,000 मिलती थी, वो अब 30,000 कर दी गई है। वहीं इसके अलावा असिंचित भूमि पर फसल नुकसानी को 8,000 से बढ़ाकर 16,000 किया गया है। किसानों के हित में की गई इस घोषणा से किसान खुश हैं। खासतौर पर बीटीआर सीमा से सटे किसान, जिनकी फसल को हमेशा वन्य प्राणियों से खतरा रहता है, उनके लिए ये घोषणा वरदान साबित होगी। किसी इंसान की मृत्यु होती है, बेटा बेटी की मृत्यु होती है, तो अभी केवल 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है परिवार को, पीड़ित परिवार को। उस राशि को बढ़ा के मैं 8 लाख रुपया कर रहा हूँ। भगवान ना करे ऐसी घटना हो, लेकिन ऐसी घटना में अगर किसी की जान जाती है तो उसके परिवार का ध्यान रखना यह हमारी ड्यूटी है। घायल का इलाज और उनको कंपनसेशन की व्यवस्था है, उसको और बेहतर करने की जरूरत है, तो हम और बेहतर करेंगे। और इसलिए एक बार उसकी पूरी समीक्षा करेंगे। हमने प्रावधान किया है कि सिंचित फसलों में अगर 50% से ज़्यादा नुकसान वन्य प्राणियों के कारण फसलों को होता है, तो सिंचित फसल में 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि, असिंचित फसल में 16,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि उनको मिले। क्योंकि फसल का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हमको करनी चाहिए। मुझे ये पता चला कि उसमें देर लगती है, तो हम एक ऐसी प्रक्रिया बनाएंगे कि तत्काल क्षति का आकलन हो जाए और राहत की राशि किसानों को मिल जाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।